औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए गुजरात के भरूच से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। गुजरात के भरूच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ के नगर निकाय चुनाव में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, वहाँ के उपचुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारा था और आज वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को दो सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज हुई है, जिसके बाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वर्कर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदारान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने सेलिब्रेशन किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जीत की मुबारकबादी आवाम के सामने पेश की। क्योंकि आज जिस तरह से गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर साबिर काबुलीवाला साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नुमाइंदों को मैदान में उतारा था, जिनमें से दो उम्मीदवारों को भरूच के अंदर कामयाबी हासिल हुई है, जिसके बाद से भरूच की जनता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की इस जीत से काफ़ी खुश नज़र आ रही है और एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर कर वहाँ पर जश्न मना रही है। क्योंकि भरूच के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को उपचुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हरा कर ये सीट हासिल की है। क्योंकि आज जिस तरह से गुजरात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के आने से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के अंदर एक बौखलाहट का वो शिकार हो चुके हैं, तो आप ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को गुजरात के अंदर कामयाब बनाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने जानने पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।